अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे कनाडा की जो फास्टेस्ट ट्रेन हाईवे है, जब रश आवर होता है तो जो दूसरी हाईवेज हैं जो 400 की एक सीरीज़ चल रही है प्रोविंस ऑफ ओंटारियो के अंदर, जिसके अंदर 401 है जो ईस्ट एंड वेस्ट चलती है, 403 है वो भी ईस्ट एंड वेस्ट चलती है, 427 है जो नॉर्थ एंड साउथ चलती है, और QEW भी आती है एक जो साउथ, वो भी साउथ में चलती है लेक के साथ। तो होता क्या है कि जब हम रश आवर के अंदर होते हैं तो ये 400 की जो हाईवे है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 401 पे आप जा रहे हैं तो समटाइम ट्रैफिक का इशू बहुत आता है, तो उस सूरत में जो है ना ये 407 हाईवे जिसमें हम अभी एंटर हो रहे हैं ये बहुत आपका टाइम सेव करती है। थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव तो है, लेकिन ये है कि कनाडा में टाइम इज़ मनी, तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली अभी हम ये 407 के रैम्प से हम एंटर हो रहे हैं, और ये जो है इसमें जो है ट्रांसपोर्टर आपको यूज़ करना पड़ता है अगर आप ट्रक चला रहे हैं या अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं। ट्रांसपोर्टर में क्या, अगर आपके पास बेसिकली ट्रक्स के अंदर तो ट्रांसपोर्टर है ही मैंडेटरी, क्योंकि अगर आपके पास ट्रांसपोर्टर नहीं होगा तो आपको फ़ाइन लगेगा। गाड़ियों में क्या होता है, कार्स के अंदर की वो फिर आपकी पिक्चर लेके कैमरा चार्ज आता है उसके ऊपर, लेकिन ट्रक में आपको ट्रांसपोर्टर लाजमी होता है, जिसमें आपको उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको जितनी बार भी आप एंटर होंगे तो आपको कैमरा चार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ट्रक में जो है ना एंट्री फीस होती है $2 की। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो 407 की हाईवे है ये रश आवर में आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करती है। बेसिकली जैसे अब मेरा ताल्लुक ट्रांसपोर्टेशन के बिज़नेस से है, अब अगर मैं नॉर्मल हाईवे यूज़ करूँ रश आवर के अंदर तो उसमें मेरा टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगता है और जगह जगह जाना पड़ता है। तो उसके अंदर अगर आप ये इस तरह की हाईवेज, ज़रूरी नहीं कि आप एवरीडे यूज़ करें, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका स्केड्यूल आउट ऑफ स्केड्यूल आप हो रहे हैं तो आप ये हाईवे यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी है कि आप ये बेसिकली ज़्यादातर नॉर्थ और साउथ की साइड पर चलती है। बेसिकली ये जो हाईवे है ये मतलब एज पैरेलल जो है 401 मतलब बिल्कुल नॉर्थ की साइड पे जाके मिलती है, और साउथ की साइड पे बर्लिंगटन की तरफ मिलती है, या ईस्ट की तरफ जाओ तो पिकरिंग की तरफ एंड होती है। तो इसमें बस ये है कि जैसा अगर आप एंटर हो रहे होंगे हाईवे के ऊपर, बहुत ही स्पीड वाली ये हाईवे है, 100 की स्पीड यहाँ पे साइड है, और यहाँ पे जो है ना ये आपको ट्रैफिक का कोई इशू नहीं मिलेगा, जैसे दूसरी हाईवेज़ के अंदर जो है अगर आप जा रहे होते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक जैम और ये सब चीज़ें कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे जो है ना ये बिल्कुल स्मूथ एंड काम ट्रैफिक चलता है जैसे कि अभी आप अभी देख रहे हैं। तो इसमें ये कि आपका टाइम सेव होता है और आप जिस जगह आपको जाना होता है वहाँ पर आप जो है ना वो आसानी के साथ पहुँच जाते हैं, और आपका टाइम और जॉब जो है वो दोनों सेव हो जाती है। क्योंकि नॉर्मल जो हाईवेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 401 है, 403 है, 427 है, QEW है, तो ये बेसिकली ग्रेटर टोरंटो की हाईवे है, यानी टोरंटो को मर्ज करेगी मिसिसागा से, मिसिसागा को मर्ज करेगी ब्रैम्पटन से, इस तरीके से जो ये ईस्ट एंड वेस्ट चल रही होती है, नॉर्थ एंड साउथ चल रही होती है और ग्रेटर टोरंटो एरियाज के अंदर। और लेकिन क्या है कि जब रश आवर होता है तो ये जो हाईवे है ना इसमें काफ़ी ट्रैफिक के बहुत इशूज़ आते हैं, और उसकी वजह से जो है ना वो आपका टाइम बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़ाया होता है। तो इसमें जो ये है कि की पॉइंट के जो डिलीवरी का बिज़नेस है इसके अंदर जो है ना वो, अगर आपने टाइम अगर आपने सेव करना ना तो फिर आपको थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ट्रकिंग की जॉब है, जैसे मैं भी ट्रक चला रहा हूँ आपको नज़र भी आ रहा होगा, मिरर्स वगैरह सारे, और ये इसका जो फ्रंट बोनट है ये सब नज़र आ रहा होगा आपको। तो हमें जो है ना ये अपना टाइम बचाने के लिए ये हाईवे जो है ना बहुत ही कन्वीनियंट है हमारे पास, बल्कि इन्होंने जब ये कंस्ट्रक्शन, इसकी बेसिकली जो इसकी कंस्ट्रक्शन हुई है ये 1950 में हुई है, इसको स्टार्ट की, इसको प्लान किया गया 1950s के अंदर, और इसका जो नाम है वो किंग्स हाईवे 407 है, और इसको 407 इलेक्ट्रॉनिक टोल रूट भी इसको कहते हैं। और ये जो है जनाब ये स्टार्ट होती है सिटी ऑफ बर्लिंगटन से, QEW से, और ये जाती है ऑल द वे मिसिसागा, टोरंटो,
स्कारब्रो, और ये एंड होती है पिकरिंग के अंदर जाके, वहाँ पे उसके बाद वहाँ से जो है एक दूसरी हाईवे स्टार्ट होती है, उसका नाम है 407, सॉरी 417। ये एक नई हाईवे अभी इन्होंने बनाई है। तो इस तरीके से ये इसकी जो टोटल लेंथ है ये 151 किलोमीटर है, साउथ टू नॉर्थ बोल रहे हैं या नॉर्थ टू साउथ बोल रहे हैं। और तो इस तरीके से जो है ना ये इन्होंने ये इसको बनाया गया। लेकिन बस इसमें एक जो चीज़ मुझे परेशान करती है समटाइम, कि जब आप जो मेन कनाडा का जो फाइनेंशियल हब है वो है डाउनटाउन टोरंटो, जहाँ पे सारे बैंक्स और बड़े बड़े ऑफिस सब कुछ हैं। तो इस वहाँ पे जो हाईवे कनेक्टेड करती है वो है गार्डनर एक्सप्रेस। तो गार्डनर एक्सप्रेस जो है ना वो आए दिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होती है, और उसमें इतनी ज़्यादा लेन्स भी नहीं है, मतलब टोटल 3 लेन्स हैं। और अभी क्या हुआ कि वहाँ पे एक लेन जो है ना वो कंस्ट्रक्शन के नाम पे उन्होंने तकरीबन आई बिलीव कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 साल के लिए उन्होंने उसको क्लोज कर दिया है। तो उसकी वजह से जो है वो जो ट्रैफिक, आने जाने वाला ट्रैफिक है वो सारा जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रबल हो गई है, क्योंकि डाउनटाउन जाना जाना वो एक बड़ा मतलब प्रॉब्लम है। वहाँ पे रोड क्लोजर है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे पेडेस्ट्रियन है, वहाँ पे साइकिलिस्ट हैं, और वहाँ पे ट्रैफिक लॉस बहुत ज़्यादा है। आप लेफ़्ट नहीं कर सकते, आप राइट नहीं कर सकते, आप यू टर्न नहीं कर सकते, आपको सीधे जाना है। वहाँ पे स्ट्रीट कार्स होती हैं जिसको आप ट्राम स्टेप समझ लें, आप ट्राम समझ लें, बहरहाल वो तो यहाँ पे तो स्ट्रीट कार ही बोला जाता है उसको। तो वो इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा इशू है। तो जब भी वहाँ पे कोई जाता है, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन वाले, ट्रक्स या डिलीवरी वाले जो भी हैं, या इवन आम पर्सन भी जो जाता है, चले हम लोगों को तो थोड़ा सा आइडिया है कि हम वहाँ जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, लेकिन जो नया बंदा जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है कि भाई ये मैं कहाँ आ गया। तो मेरा मकसद ये बताने का कि यहाँ पे जो है ना ये जो 407 का है, इसका कोई मतलब कनेक्शन अगर बनता भी है तो काफ़ी दूर जाके बनता है, यानी अगर आप डाउनटाउन में अगर आप हैं तो आपको ऑल द वे जो है ना वो गार्डनर एक्सप्रेस ले के फिर आगे जाके फिर नॉर्थ से आपको हाईवे मिलती है ये 407 की। तो उसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी ट्रैफिक के मसाइल होते हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन से बिजनेस वाले वो इस बात पे बड़े हैरान है कि मतलब ये क्या कोई मेजर गलती हुई है गवर्नमेंट से, कही है उन्होंने हाईवे इस तरह से नहीं कनेक्ट की, कि या बहुत आगे जाके उन्होंने बनाई कि डाउनटाउन से कोई इसको कनेक्शन नहीं है। तो बस ये है कि बस फिर भी बहरहाल ये कि जब आप इस हाईवे के आप करीब होते हैं तो आप इसको अगर लेंगे तो आपका टाइम काफ़ी इसके अंदर बच जाता है, और मैं भी काफ़ी मरतब उसको लेता हूँ। लेकिन बस ये कि एक्सपेंसिव है, कि और फिर इनके टाइमिंग्स भी होते हैं। अगर आप सुबह के टाइम में जाएंगे तो उसकी बेसिकली जो रश आवर का जो टाइम होता है, जो ऑफिस का टाइम है 9 से 10 बजे का टाइम, या 8 से 10 बजे का टाइम, उसके बाद फिर आफ्टरनून का रश आवर हो गया जो 3 से तकरीबन 5 बजे तक का जो होता है वो रश आवर है। तो इन टाइमिंग्स के अंदर ना ये पीक आवर्स होते हैं, और इसके अंदर इनकी प्राइसिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन अगेन कन्वीनियंट है, फास्ट है, रिलायबल है, ये इनका लोगो भी है, सेफ फास्ट एंड रिलायबल 407 का। आप गूगल भी आप करेंगे 407 ETR तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और ये है कि हम लोग इसको यूज़ करते रहते हैं। आज मैंने इसको यूज़ किया है क्योंकि मुझे किसी जगह जाना था तो मेरे पास टाइम नहीं था, फिर ये कि फ्राइडे की इवनिंग थी तो ट्रैफिक बहुत था, और लॉन्ग वीकेंड यहाँ पे चल रहा है इस वक्त विक्टोरिया डे का, तो उसकी वजह से हमें ये हाईवे को यूज़ करना पड़ा। अब आप देखें ट्रैफिक का फ्लो, कहीं भी आपको जो है ना इसके अंदर यहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ एंड काम है, मतलब आपका बिल्कुल आप स्पीड पे चलते जा रहे हैं नॉर्मल स्पीड के ऊपर। और यहाँ पे भी ये पुलिस की पेट्रोलिंग वगैरह काफ़ी होती है, आपने ज़रा भी आपने स्पीड की तो वो पुलिस की यहाँ पे पेट्रोलिंग होती है, उनके पास कैमरा होते हैं, रेडार होते हैं उनके पास, तो वो आपको आके पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे जो है जब आप एंटर हो रहे होते हैं तो कैमरा जो है वो आपको आपकी नंबर प्लेट की पिक्चर लेता है, और जब आप एग्जिट करें तो तब भी वो नंबर प्लेट आपकी लेता है पिक्चर। तो उससे जो है ना वो टोटल डिस्टेंस जो किलोमीटर है ना उससे जो है ना वो पूरा आपका बिल बन जाता है जो इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में आता है। और जब आप एग्ज़िट करते हैं तो जो ट्रांसपोंडर है वो बीप करके आपको बताता है कि भाई ये अब आपने एग्ज़िट कर लिया है। तो अब ये मैं ऑलमोस्ट जो है अपने एग्ज़िट की तरफ पहुंचने वाला हूँ,
तो ये एक छोटी सी मैंने वीडियो बनाई थी 407 ETR कनाडा की, जो टोल रोड है, फास्टेस्ट हाईवे है, टाइम सेविंग है, यहाँ से अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। शकील फ्रॉम सिटी ऑफ मिसिसागा, ऑन्टारियो, कनाडा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।